जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बान की बेड़ियां चुकाती हो, जो कहना है वो कहना है गांधी की चोट पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के एक साहिबाबाद में फैक्ट्री की आ रही है, जहां पे आग लगने से 10 लोगों की मौत की खबर है। दमकल की गाड़ियों और पुलिस मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में जीन्स और जैकेट बनाए जाते थे। 10 लोगों की मौत हुई है आग की चपेट में आने से। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। ये विजुअल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी फैक्ट्री थी यहां पे, जहां पे जीन्स और जैकेट बनाए जाते थे। इसमें आग से 10 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, इसमें जीन्स और जैकेट बनाए जाते, 10 लोग निकल नहीं पाए, ट्रैप हो गए, किस तरह से ये वारदात हुई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है? देखिए प्रतीक, इसमें अपडेट है और अभी खबर जो मिली है उसमें ये मिली है कि 12 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। जींस की फैक्ट्री है और इसमें जींस और जैकेट बनाने का काम चलता है। रात में भी काम हो रहा था और ये खबर मिली है कि 4:30 बजे ये आग लगी थी। 8 फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री में पूरी तरीके से आग लगी थी और जिसमें ये अभी बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई। जी रवि, आप इस खबर पर नजर रखें, हम आपसे अपडेट के लिए एक बार फिर आपके पास रुख करेंगे। लेकिन हम बता दें कि गाजियाबाद में ये साहिबाबाद में लगी आग से 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें फैक्ट्री में जिसमें जींस और जैकेट बनाए जाते हैं।